हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स। गाइस, तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ गाइस, जिन वेबसाइट का यूज़ करके गाइस आपको महाराष्ट्र एमसीए सीट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है गाइस वो मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइस जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर है वो भी मिल जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें गाइस वो पता चल जाएगी, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर सेट होता है, ये सारी चीज़ें गाइस आपको समझ में आ जाएगी। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी वेबसाइट्स के जो नाम है वो पता चल जाए और आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मिल जाए। सबसे पहले वेबसाइट है गाइस freshersnow.com। ये वेबसाइट गाइस काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो क्वेश्चन पेपर्स है गाइस वो देखने को मिल जाएंगे। सारी वेबसाइट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, इसलिए पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इन सारी वेबसाइट पर आप विजिट करके एक बार देख भी लेना, ठीक है। तो थोड़ा हमें स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको मार्किंग सेम सारी जो चीज़ है वो भी देखने को मिल जाती है। तो हमें यहाँ पे आना है, यहाँ पे MCA CET प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट लिंक्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे है MCA CET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगे, तो ये दो है। और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो फिर यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे है डाउनलोड MCA CET कंप्यूटर नॉलेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PDF, तो यहाँ पे क्लिक हियर कर देना। क्लिक हियर करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड कर देना, तो आपको जो क्वेश्चन पेपर है गाइस वो डाउनलोड हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है गाइस वो भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइस इसके जो आंसर्स है वो भी रहते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी और जब आप थोड़ा सॉल्व वगैरह करके देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी कितनी जो पढ़ाई है वो हुई है। फिर नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए भी अवेलेबल है, डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। रीजनिंग के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और इंग्लिश के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा गाइस यहाँ पे और भी MCA से रिलेटेड काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने में तो वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वेबसाइट है गाइस यहाँ पे emodelpapers.in, यहाँ पे भी आपको काफ़ी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे भी हमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और नीचे गाइस आपको यहाँ पे अलग अलग जो क्वेश्चन पेपर्स है वो मिल जाते हैं, जैसे 2017, 16, 15 और 14 के जो क्वेश्चन पेपर है गाइस वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट वेबसाइट है गाइस एस्पायर स्टडी, यहाँ पे भी आपको MCA CET से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है गाइस वो मिल जाएंगे। पिछली वेबसाइट में 2017 तक थे, इस वेबसाइट में गाइस आपको 2019 का जो पेपर है वो भी मिल जाएगा और 2018 का यहाँ पे लिखा है विल बी अवेलेबल सून, तो जल्दी ये भी आ जाएगा। 2017 मतलब काफ़ी सारे अवेलेबल है, काफ़ी सारे विल बी अवेलेबल सून ऐसा इस वेबसाइट में, बट 2019 का अगर आपको देखना है तो इस वेबसाइट पर जाना, क्लिक हियर कर देना और इस पेपर को जो है गाइस वो आप डायरेक्ट फिर यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी वेबसाइट्स हैं गाइस। इसके अलावा अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो MCA क्वेश्चन पेपर, तो आपको काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वो आती है। टॉप रिजल्ट्स में ये कुछ वेबसाइट्स आई थी, तो मैंने आपको इनके बारे में बताया, यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अगर और भी आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल सर्च करके और भी सारी जो इन्फॉर्मेशन है गाइस वो ले सकते हो। सारे जो वेबसाइट्स हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके गाइस एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना और इन पेपर से थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह कर लेना, आपको पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन पेपर आता है और कैसे टाइप से जो क्वेश्चन है गाइस वो सेट होते हैं, इससे आपकी काफ़ी जो हेल्प है गाइस वो भी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट्स मिलते रहे।